यूपीएससी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले से अब सियासी संग्राम भी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दो देशों के बीच युद्ध रुकवा दिए लेकिन पेपर लीक नहीं रुका पाए। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था, मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और यह एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। वहीं नीट पेपर लीक के तार बिहार तक जुड़े नजर आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा का साफ तौर पर यह कहना है कि नीट पेपर लीक मामले में आरोपी सिकंदर का तेजस्वी यादव के पीए से संबंध है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि आरोपी सिकंदर ने तेजस्वी यादव के पीए को 4 मई को 3 बार फोन किया। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430649924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। वहीं RJD ने नीट पेपर लीक को लेकर लगे आरोपों का खंडन किया है। एक बड़ा अपराध हुआ है और देश भर में छात्रों ने कई साबूत सामने रखा है और इसका नेटवर्क पूरे देश में बिछा हुआ है। और शिक्षा मंत्री जो देश के थे वह शुरू में तो इनकार कर रहे थे गड़बड़ी से, लेकिन बाद में उनको स्वीकार करना पड़ा। तो आखिर जो नीट के परीक्षा जो घाल मिल के शिकार हुए, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और केंद्र की सरकार इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं घिरता हुआ दिखाई पड़ा। वहीं JDU ने नीट पेपर लीक मामले में सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। प्राप्त सूचना के अनुसार जो अनियमितता की सूचना मिली तो स्वाभाविक है, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने की जो कोशिश होती है और उसका दुष्परिणाम प्रतिभावान छात्रों को भोगना पड़ता है, केंद्र सरकार ने सम्यक फैसला लिया है। लेकिन हम यह भी अनुरोध करेंगे कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में अगर इस ढंग का जो शिक्षा माफिया के द्वारा कुकृत्य किया जाता है, ऐसी सख्त व्यवस्था की जाए जिससे कि छात्रों का जो मेहनत है उस पर पानी नहीं फिरे।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। राजधानी दिल्ली ही नहीं, पटना में आईसा ने इस पूरे मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और NTA पर बैन लगाने की मांग की। लखनऊ की बात करें तो यहां पर भी कई छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो विपक्षी दल सीधे केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो नीट पेपर लीक मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच और परीक्षा रद्द करके फ्रेश एग्जाम कराने पर केंद्र और NTA को नोटिस भेजा है। वहीं शिक्षा मंत्रालय भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ डिटेल है इस पर लेटेस्ट, अब सीधा आप जानते हैं रोहन से। तो रोहन, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा मंत्रालय ने आज क्या एक्शन लिया है। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में कई सारी जो पिटीशन थी नीट परीक्षा को लेकर, उस पर सुनवाई हुई। इसमें से कुछ ऐसी पिटीशन थी जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा दायर की गई थी, ये ट्रांसफ़र पिटीशन थी, और कुछ पिटीशन ऐसे थे जो कि छात्रों द्वारा परीक्षा कैंसिलेशन के लिए दायर किए गए थे। इन सभी पर सुनवाई हुई और जो ट्रांसफ़र पिटीशन है उस पर फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तमाम अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो इसमें प्रोसीडिंग्स चल रही थी, फिलहाल उस पर स्टे रहेगा और जो तमाम पक्ष हैं उनको इसको लेकर नोटिस दिया गया है और 8 जुलाई को लेकर इसमें जो है अगली सुनवाई इसमें की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल काउंसलिंग पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी और इसको लेकर भी जो सुनवाई है अगली वो 8 तारीख को ही होगी। जितने पक्ष हैं सबको इसको लेकर नोटिस दिया गया है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्रालय में आज जो है समन किया गया, जो NTA के DG हैं सुबोध कुमार सिंह, जो शिक्षा सचिव हैं, उनसे मिलने गए। इसमें UGC नीट को लेकर बात हुई, UGC नेट को लेकर भी बात हुई और साथ ही जो बिहार सरकार है उनकी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट से पूरी जानकारी मांगी गई है। जो पेपर लीक को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर डिटेल्स मांगे गए हैं और एक बार वो डिटेल्स आ जाते हैं उसके बाद शिक्षा विभाग इस बारे में और कार्रवाई करेगा।